हमारा घर का क्या अभी दशा हुआ है ये देखिए दोस्तों, हमारा घर का भी क्या हाल हो चुका है। ये सारा का हमारा एल्बेस्टर तो पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों, ये वहाँ से पूरा एल्बेस्टर हमारा गिर गया था हाँ, और उड़ के पूरा दिन यहाँ चित्रा गया हमारा एल्बेस्टर। कैसा दिन लग रहा, पूरा नाश हो गया, ये उधर तक गया हुआ एल्बेस्टर हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और अभी दोस्तों सुबह की 8 बज रही है और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। इधर लग चुका है हमारा गर्मा गर्म पोहा और ये कचौड़ी, क्या क्या लग चुका है इधर डाइनिंग टेबल में। देसी लोग के लिए डाइनिंग टेबल है ना। और इधर मिली है, आप सभी लोगों को मिला रहे हमारे जीजा श्री जी से। नमस्कार, जोहार झारखंड है ना। बहुत खुश लग रहे हैं ना, कैसा लग रहा है आपको झारखंड? बहुत बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज हम लोग को निकलना है अपना गांव, अगर अगर नहीं जाते ना तो इनको आज झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध है ना क्या वो दहाड़िया, इनको हड़िया पिलाते है ना, मजा आ जाता नहीं? सभी लोग समझ रहे हैं हड़िया मतलब क्या है, वो तो समझा दो क्या है, समझा दो, इसको पता नहीं है। तो हड़िया जूस होता है और क्या होता है? हाँ तो वो समझा दो, वो राइस मीठा लगता है खाने में, बहुत आनंद फील होता है, अपने आप को बहुत प्राउड, मतलब एक नहीं वो 2000 मतलब बन जाता है। नहीं नहीं हड़िया ऐसा चीज है ना कि एक बार अगर आप पी लिए ना तो जीवन भर आपको याद रहेगा, वो चीज है हड़िया है ना। बार बार खोजेंगे हड़िया, लेकिन वो बस झारखंड में ही मिलेगा। सुनो ना, पता चले यहाँ पर खड़ा है फिर बाद में देखो पेड़ के ऊपर चढ़ा है तो फिर पी के पी लेंगे हड़िया हाँ। तो डायरेक्ट पता चलेगा अपने गांव चलेंगे। नहीं नहीं हाँ 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 तो चले क्या, चले चले ना दीदी हाँ। चले ना, आपके तरफ से कोई मतलब ही नहीं ना है, तुम जो कर सकते हो। चलिए ठीक है। तो दोस्तों काफी मतलब मजाक मस्ती भी हो रही है क्योंकि सलाह अगर जीजा से अगर ना करे तो फिर किससे करे है कि नहीं। चलिए आइए चलते हैं हड़िया पीने। और अभी इधर रिया जी बैठ गए इधर सोफे में और चांदनी और अभी मतलब दोनों माँ और बेटी यहाँ बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, पापा को छोड़ दिए और नाश्ता करके निकलेंगे दोस्तों अपना घर। चलिए सभी लोग खा रहे हैं अभी बैठ करके, और अभी लोग खा रहे हैं इधर, आ जाइए फटाफट, मुंह पानी आ रहा है क्या? क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टाइल से बना हुआ दीदी जी बनाए ना, आ रहा ना। चलिए बैठिए बैठिए फटाफट खाते हैं पहले। सच में मतलब ये पल है, यादगार पल बन रहा है, कहा से मेमोरी बन रही है ना। और हम लोग सभी भाई लोग खा रहे हैं पोहा, तो चले खा लेते पहले फटाफट। दोस्तों खाना पीना हो गई बढ़िया तरह से, नाश्ता पानी, और हमारे अब विदाई की समय आ चुके, लेकिन सबके चेहरे में मायूसी छा गई है ना? सही में, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्या कहना, मन नहीं कर रहा, लेकिन अपनापन एकदम अपनापन हो गया। खास करके दीदी से तो पहली मुलाकात थी, लेकिन जीजा श्री क्या कहे बहुत मतलब कि इनका जो क्या कहे ना हाँ। जो स्वभाव है ना मेरे को हाँ। बहुत अच्छा लगा अच्छा। क्योंकि इतने शांत स्वभाव के है ना, जाएंगे ना चलिए हाँ, लेकिन तो हम बहुत इनको सताएंगे तो चलिए बातें भी सर काफी हो गई, क्या बताए। अरे रे रे वाह पतली कमरिया, चलिए ठीक है फिर आइएगा, चलिए आशीर्वाद लेते हैं, चलिए निकले ये बड़े दीदी हाँ ठीक है फिर चलिए चलिए भाई लोग चलिए बाय। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हम लोग कहाँ है, तो हम लोग अपना घर में दोस्तों अपना गांव लोग आ गए हैं। कल हम लोग आए थे और आते आते हमारा रात हो गया था, और अभी 10 बज रही है सुबह की, और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग फिर से। और दोस्तों हमारा सपनों का जो घर है वो पूरा मतलब घर मतलब टूटा नहीं है, लेकिन जो एल्वेस्टर है ना वो उड़ गया, वो 3 गो कि 4 गो एल्वेस्टर पूरा उड़ गया। अभी जाएंगे आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि कैसा हो गया, आंधी बहुत ज्यादा पूरा हमारे तरफ आंधी तूफान चला था, पत्थर भी गिर रहा था, पत्थर भी गिर रहा था। इधर भी क्या बेटा, छोटा छोटा पत्थर खाते हैं, छोटा छोटा पत्थर खाते हैं, कौन बोला नहीं खाते है ना, और वो पत्थर कह रही है जो ऊपर से गिरता है ना, वो कह रही है पूरा ठंडा ठंडा लगता है हाँ। और हमारा घर को देखी तुम चांदनी, घर को देखी है? नहीं देखी, घर हमारा गिर गया और हमारा इधर खाना पीना इधर बन चुका है दोस्तों, क्योंकि अभी जो मेहमान लोग जो है वो
भाई साहब लोग अभी यहीं पे हैं, अभी गए नहीं है। पापा दुकान जाओ। दुकान जाएगी। खाना पीना खा रही है अच्छा से ना। हाँ उन लोग खाना पीना खा लिया बढ़िया तरह से, थोड़ा सा उन लोग आराम कर रहे हैं। क्या करने, क्या लेने जाओगे? क्या पैसा दिखाओ, पैसा है कितना दिखाओ, कितना है बोलो ना, दिखा रहे कितना है? 10 रुपया। 5 रुपया कह रही है, 10 रुपया। अरे 5 रुपया कितना है? 5 रुपया 10 रुपया नहीं, ये 5 रुपया। ठीक है जाओ जल्दी जाके जाओ, तुम आएगी फिर लोग चलेंगे, है ना? जल्दी से आना। चांदनी दौड़ के जा रही है दुकान, वो देखे चली गई। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जाके। और चांदनी भी चली गई अभी दुकान लाने के लिए। और कितना अभी कड़ा भी धूप निकला हुआ, मौसम का कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाता है। नहीं बारिश भी हो जाता है। कितना इधर बारिश हुआ था, पूरा मिट्टी ये हो गया ना। और अपना गांव घर सबको प्यार लगता नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाते उतना अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों लोग इसलिए गए हुए थे ना कि आप लोग देखे होंगे कि भाई लोग आए हुए हैं यूपी से, और उन लोग को तो लोकेशन पता नहीं था झारखंड का, मतलब धनबाद का। और हमारी भी इंटरव्यू थी और उनका भी इंटरव्यू था, इसलिए चले गए थे हम लोग साथ में। और अभी हम लोग खटिया में बैठ करके चांदनी का इंतजार कर ही रहे थे। ये देखिए अचानक दौड़ करके आ गए। क्या ली बेटा? क्या निकलता है? निकलता है इसमें क्या निकलता है? फाड़ तो कह रही है। चलो भाई चलो जल्दी चलो, हम लोग भी देखेंगे चलो। और आज लोग नहीं आए मिस्त्री लोग, चलो क्या निकला? अरे चलिए चलिए चलो चलिए। तो घर को सटा दे रहे जो लोग जा रहे हैं दोस्तों, सपनों का घर में, और दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को, क्योंकि 3,000 3,500 का हमारा नुकसान हो चुका है। जाके दिखा रहे हमें भी काफी, मतलब ये लग रहा है। और चांदनी आगे आगे जा रही है, लगता है हवा ना उधर से मारता होगा। हाँ। इधर से ना थका है इसी से उड़ के। हाँ ईटा दिया हुआ रहता तो नहीं उड़ता ना। हाँ क्या है अंगूठी जैसा इसमें डाल लेती है उसके बाद खाती है। हाँ और दोस्तों कैसा मौसम अभी लग रहा है, लग रहा है कि आज भी बारिश हो गई, तो बादल एकदम छाया हुआ आज भी। धूप छाव हो रहा, पूरा बादल छाया हुआ, लग रहा आज ही बारिश होगा। और देखिए कुआं भर गया जी, भर गया ना? हाँ भर गई, बारिश हुआ तो भर गया ना। कितना नीचे पानी हो गया था ना। आज हम लोगों का 3 दिन हो गया नहीं उधर गया हुआ, 3 दिन हो गया। हाँ 3 दिन हो गया। और वो रहा दोस्तों हमारा प्यारा सा सपनों का घर। जब भी हम लोग ये जगह पे आते हैं ना तो काफी सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को अपना गांव घर ज्यादा प्यारा लगता है। नहीं ये पहाड़ देखिए, ये पहाड़ मतलब इधर ये बाड़ी उड़ी हरियाली, ये जगह और घर तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता। चलिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो हम लोग यहाँ सामान जो रखे हुए हैं, तो वहाँ पे गिट्टी रखा हुआ है वो वाला, और यहाँ मिट्टी है, ये खपरा बनाने का हमारा मिट्टी है। हम लोग खपरा बनवाने का सोच रहे थे, इसलिए ये मिट्टी हम लोग यहाँ ला के रखे हुए हैं। और यहाँ तो हम लोग सीमेंट वगैरह यहाँ साने हुए थे, तो इन सब को हटा दिए हैं। और ये सारे सामान को हम लोगों को हटाने के लिए बोले हुए हैं, जिनका ये खेत है बाड़ी, तो सबको हटाना पड़ेगा। और बाकी हमारा इधर सारा सामान ख़त्म हो चुका है, कि बालू पूरा ख़त्म हो गया, पूरा जितना बालू था ना। हाँ पूरा ख़त्म हो गया बालू, और ये इतना सा बचा हुआ है। तो फाइनली लोग पहुंच गए अपना प्यारा सा घर में, चलिए चलते अंदर, काफी सुकून मिलता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा लगता है हम लोग। और दोस्तों क्या क्या काम हुआ आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए आंगन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 3 दिन हम लोग उधर रहे ना, तो 3 दिन में सारा काम हमारा हो गया, प्लास्टर पूरा हो गया। देखिए आंगन पूरा हमारा प्लास्टर हो चुका है, अच्छा लग रहा है। पहले काफी कादो हो जाता था बरसात में, अब कादो नहीं होगा ना चांदनी। और ये ठीका में हम लोग दिए हुए थे, ये ठीका सिस्टम था, ये नापी लेकर के वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं था। बारिश आएगा तो किचन नहीं होगा ना। हाँ अब किचन नहीं होगा, बारिश होगा तो। और चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को कि हमारा घर का क्या अभी दशा हुआ है। ये देखिए दोस्तों एलिवेटर भी कैसा हो चुका हमारा घर का, और यहाँ जो भी देख रहे हैं एलिवेटर को देखिए दोस्तों, इधर सारा एलिवेटर हमारा उड़ चुका है इधर से। ये साइड के एलिवेटर उड़ गए, 1 2 3 4 लगभग, मतलब 4 एलिवेटर दोस्तों हमारा घर का पूरा उड़ गया। ये सब देखिए पूरा उड़ गया, क्योंकि पहले पूरा एलिवेटर पूरा लगा हुआ था ना, अब पूरा उड़ गया, पूरा खाली हो गया। कितना पत्थर पानी हुआ था वो एलिवेटर टूट गया है।
काफी दिक्कत हुआ ना, और ये पाइप सब तो वहाँ लगाएंगे, और ये सब भी हो गया है, ये देखिए ये एल्वेस्टर सब भी ये हो गया, घिसक गया है ना। हाँ घिसक गया है, और हम लोग यहाँ एक ला करके रखे हुए थे कारपेट को अपना पलंग का, क्योंकि हमारे घर आप सभी लोगों को पता है कि मेहमान भाई लोग आए हुए ना, नहीं बताओ बेटे, और मिस्त्री भी काम करते थे ना तो थोड़ा सा रेस्ट करते थे, इसलिए हम लोग यहाँ ला करके इसको रखे हुए थे, और ऐसा में हम लोग कैसे सो सकते थे, रात अंदर कुछ भी हो सकता है ना, और मिस्त्री जी मना किए हुए थे ऊपर में ईंटे को डालने के लिए, क्योंकि पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा नुकसान हो गया, हमारा घर उड़ गया, अलबेस्टर टूट गया, अब पीछे जा करके देखते ना कि कितना सा क्या हुआ है, और देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। हाँ ये वाला अभी भी पानी भरा हुआ है इसमें, अब इसको भी सही करवाना है। हाँ, इसको पानी निकालना, चलो आ जाओ चांदनी बेटा आ जाओ, पानी तो यहाँ आ जाएगा ना। हाँ तो हम लोग बाहर चल रहे हैं और देख रहे हैं थोड़ा सा बाहर से भी क्या दशा हुआ घर का, अलबेस्टर सबका, आ जाइए। तो दोस्तों लोग जा रहे हैं अभी वो साइड में, और आप सभी लोग को दिखा रहे हैं कि कितना अलबेस्टर मतलब हमारा उड़ा हुआ है, और ये साथ साथ अभी लोग चढ़ेंगे, अच्छा से दिखाते हैं आप सभी लोगों को, चलो चलने चलो चलो आ जाओ, थोड़ा सा सेट सेट लग रहा है। और दोस्तों अभी लोग ये साइड में आ गए, पीछे पीछे साइड में, और ये देखिए हमारे अलबेस्टर अभी इतना सारा अलबेस्टर हमारा टूट गया दोस्तों, पूरा घर का आप लोग नक्शा देख सकते हैं कैसा हो गया, पूरा एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया हमारा अलबेस्टर, देखिए कैसा था, पूरा छितर बितर हो गया, ये सारा का हमारा अलबेस्टर तो पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों, ये वहाँ से पूरा अलबेस्टर हमारा गिर गया था, हाँ और उड़ के पूरा दिन यहाँ छितरा गया हमारा अलबेस्टर, कैसा दिन लग रहा, पूरा नाश हो गया, ये उधर तक गया हुआ अलबेस्टर हमारा, ये वाला भी उड़ जाता, ये वाला भी, और थोड़ा सा ज्यादा आता ना तो हमारे सारे अलबेस्टर हमारे नुकसान में चले जाते पूरा, फिर भी हमारा घर इतना सा भी नुकसान हो गया, देखिए कितना अलबेस्टर यहाँ मतलब कि टूटा पड़ा है, ये कितना पड़ा, एक दो तीन, तीन को पड़ा है, तीन को, और वो देखिए चांदनी ऊपर चली गई देखने के लिए घर को, क्या कर सकते हैं, चलिए जो होना था हो गया, अब मिस्त्री लोग मना किए हुए थे ना, तो लोग तो दे ही देते हम लोग, नहीं इतना सारा अलबेस्टर हमारा बर्बाद हो गया, चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं कैसा हुआ, चांदनी पहले ही छत पे चढ़ गई है और यहाँ लटक के देख रही है घर को, चांदनी उठ गई दोस्तों यहाँ छत में, और देखिए उधर से एक ट्रेन आ रही है रेलगाड़ी, और ये तो मस्त लगता है दोस्तों छत ऊपर से गांव का दृश्य, और ये रहा दोस्तों हमारा सपनों का घर, और दोस्तों अभी हम ऊपर चढ़ गए अभी पूरा यहाँ दीवार के ऊपर में, और आप सभी लोग यहाँ से दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा घर का भी क्या हाल हो चुका है, पूरा ये जो एलिवेटर है एक दो तीन चार को एलिवेटर यहाँ से वहाँ तक का सारा एलिवेटर उड़ गया है, ये देखिए सारा एलिवेटर इधर टूटा हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो गया एक दिन में, तो दो दिन लोग उधर रहे ना तो इतना सारा नुकसान हो गया, देखिए कितना ये होता है, हम लोग यहाँ ईंट हम लोग ऐसे भी लोग लगाए थे लेकिन सारा ईंट को भी उजाड़ दिया आंधी तूफान ने, पूरा दिन ये हो गया, अब रिया जी उधर से नीचे आ रहे घूम करके, और हम इधर से भी नीचे उतरेंगे, देखिए वहाँ को सीढ़ी लगा हुआ है ना, चलिए नीचे चलते हैं यहाँ से, अब अगर हम लोग घर में रहते ना तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देते, हम लोग समझ रहे हैं दूसरा का कैसा होता है, दूसरा का दूसरा ही होता है ना, चलिए काफ़ी डर लग रहा है नीचे उतरने में, और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये रूम भी कितना पानी से भर चुका है, और रिया जी उधर से आ गए, देखिए जी ये भी कितना पानी से भर गया पूरा, ही पूरा पानी को निकालना पड़ेगा हटा करके, इधर एक सीढ़ी लगा हुआ लिसन, तो हम इसी से उतरते हैं, इधर से नहीं लग रहा कि एक भी अलबेस्टर उड़े हुए हैं, लेकिन उस साइड से लग रहा है, देखिए उस साइड से ज़्यादा उड़ गया ना, पानी भरना पड़ेगा आंगन में, हाँ देखिएगा पकड़िएगा ना कितना दम धूप लग रहा, आज आए नहीं ना मिस्त्री लोग काम करने, मेन बात बालू खत्म हो गया ना इसलिए नहीं आए, बालू गिराना पड़ेगा, चलिए कितना ज्यादा पानी भर गया ये रूम भी, टाइल्स वगैरह भी हो गए, हाँ ये सब घुमाना पड़ेगा ना, हाँ टाइल्स घुमाना पड़ेगा, चलिए आ जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।